ब्रैडफोर्ड काउंसिल में कश्मीर के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ब्रैडफोर्ड सिटी हॉल में काउंसलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करना होंगी। भारत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद मसला कश्मीर को खत्म करना चाहता है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की कि वह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानब से दी गई गैर मुनसफाना सजा के खिलाफ अपील के लिए आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। अपने दौरा ब्रैडफोर्ड के मौके पर सदर आजाद कश्मीर ने कम्युनिटी के मुख्तलिफ इजलास में भी शिरकत की और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। यासीन मलिक को 25 मई को सजा हुई थी और 25 जून तक उनके पास सिर्फ एक माह रहता है भारत में हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, और वहाँ पे चूँकि कोई भी वकील पेश नहीं हो रहा यासीन मलिक साहब के लिए, चूँकि मोदी की इतनी दहशत उसने फैलाई हुई है और जो भी आएगा उसको वो मरवा भी देता है, बड़ा ज़ालिम इंसान है वो, तो इसलिए मैं यहाँ से भी कोशिश करूँगा कि हम क्या देख सकते हैं। तो बहरहाल आपके इस सवाल पर मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए। न्यूज़ ब्रैडफोर्ड।